गाड़ी का कंडीशन एकदम A1 में है। तो भैया इसकी प्राइस क्या रखी गई है? गाइस ये 63,000 देकर ये सुपर स्प्लेंडर आप घर लेकर जा सकते हो। ये 52,000। तो जो भी कलर पसंद होता है आप देख के डेफिनेटली यहाँ से लेकर जा सकते हो। और लास्ट ओनली 60,000 देखिए, कोई भी ये रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली 350 लेकर जा सकता है। क्या बात कर रहे हो भैया। सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज हम लोग फिर से आरवी मोटर्स पे आ चुके हैं और यहाँ पे पीछे आप हमारे देख सकते हो बहुत सारी गाड़ियां हैं और जो भी गाड़ियां सबके प्राइस बहुत ही कम है। मतलब यहाँ से आप लोग पूजा से पहले बहुत सारी ऑफर्स भी देख रहे हो गाइस। मतलब इस वीडियो के लास्ट में हम लोग ऑफर के बारे में थोड़ा बहुत बातें कर लेंगे। और तो और गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो कौन घड़ी है, रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 412cc वाली गाड़ी है और भी रॉयल एनफील्ड की काफी सारी गाड़ियां अवेलेबल है। तो गाइस स्टे ट्यून्ड और वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में हम लोग पहले गाड़ी यहाँ पे देख सकते हो TVS की तरफ से आने वाली 164 भी है। तो भैया इसकी प्राइस क्या रखी गई है? 67,000 तक आ जाएगा। और वैसे कौन से साल की मॉडल है भैया? 2020 की मॉडल है। बढ़िया है। और गाइस गाड़ी का कंडीशन आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे टायर्स भी बहुत सही है, इंजन का हालत भी बहुत सही है और पीछे का टायर्स भी बहुत सही कंडीशन में लगी हुई है। और गाइस उसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली क्लासिक 350 है ना भैया। तो इसकी प्राइस क्या रखी गई है भैया? 1,17,000। और गाइस मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा डिटेल्स में बात करने चाहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रंट में यहाँ पे ग्रिल्स लगा हुआ है, उसके बाद गाइस यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्रैश गार्ड देखने को मिल जाएगी गाइस। और तो और गाइस अगर टायर से कंडीशन में दिखा देता हूँ, काफी सही कंडीशन में है टायर, बट ज्यादा दिन नहीं चलेगी, आपको डेफिनेटली सामने का टायर चेंज करनी पड़ेगी। बट पीछे का टायर जो है वो नई की नई डली हुई है, तो यहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और बाकी गाड़ी कौन से साल की मॉडल है भैया? 2019 की मॉडल है। और प्राइस थोड़ा बहुत निगोशिएबल हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद गाइस हम लोग बढ़ जाएंगे जावा की तरफ से आने वाली, ये कौन सी जावा क्लासिक है? ये जावा 42 है। वैसे गाड़ी का कंडीशन मेरे को काफी ज्यादा सही लग रही है, इंजन भी एकदम टकाटक है, क्रैश गार्ड लगा हुआ है, मिरर्स भी लगा हुआ है, मतलब गाड़ी एकदम A1 कंडीशन में है। तो इसकी प्राइस क्या रखी हुई है भैया? 10,000 सिर्फ चला हुआ है। वाओ रियली नाइस। एक लाख बारह हजार देकर गाइस ये गाड़ी लेकर जा सकते हो। बट द थिंग इज दैट यहाँ पे आपको प्राइस निगोशिएट करने का मौका मिल रहा है, तो आप आके बर्गेनिंग करके ले सकते हो। और वैसे कौन से साल की मॉडल है भैया? 2021 की मॉडल है। क्या बात है, 2021 की लास्ट की मॉडल है, तो लगभग 1 से 2 साल पुरानी गाड़ी है। तो डेफिनेटली गाइस आप लोग चेकआउट कर सकते हो इसको। सो गाइस उसके बाद यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो गाइस ऑफ रोडिंग किंग रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली हिमालयन गाड़ी हुई है। और गाइस यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा इंक्लूड करनी पड़ेगी गाइस। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो फ्रंट में यहाँ पे हेडलैम्प ग्रिल्स लगा हुआ है, उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, नकल गार्ड भी लगा हुआ है, ऑक्सिलरी लाइट लगा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सिलरी लाइट का और एक क्लैंप भी लगा हुआ है ताकि यहाँ से और भी आप ऑक्सिलरी लाइट लगा सकते हो। यहाँ से गाइस आप लोग चेकआउट कर सकते हो, इसके इंडिकेटर चेंज की गई है और यहाँ पे एकदम फुल्ली फ्रेम्ड क्रैश गार्ड लगा हुआ है गाइस। और गाड़ी का कंडीशन एकदम A1 में है। तो भैया इसकी प्राइस क्या रखी गई है? 1,47,000। तो ये प्राइस जो है वो निगोशिएट हो जाएगा गाइस, मतलब आपके लिए स्पेशली अगर हम यहाँ पे आके हमारा चैनल का नाम लेते हो तो डेफिनेटली प्राइस कम होने वाली है। वैसे गाड़ी एकदम टकाटक एकदम पूरा फुल्ली कंडीशन में है। और गाइस यहाँ पे और भी देख सकते हो पीछे ये जो चीज़ है ये नहीं लगा हुआ होता है, बट द थिंग इज दैट यहाँ पे ये आप लोगों को प्री इंस्टॉल मिलेगा। और गाड़ी में बहुत सारा काम किया गया है एंड मोस्टली गाइस यहाँ पे आप लोग टायर्स देख सकते हो, नई टायर डली हुई है। सामने का टायर भी मैं आप लोगों को चेकआउट करवा देता हूँ। यहाँ पे भी ऑफ रोडिंग का सीएट का टायर नहीं डली गई है, मतलब गाड़ी एकदम A1 कंडीशन है। डेफिनेटली गाइस आप लोग इसको एक बार टेस्ट राइड लेके इसको घर लेकर जा सकते हो गाइस, प्राइस बहुत सही है। और गाइस उसके बाद अगर हम लोग इसकी तरफ बढ़ जाते हैं तो ये सब लोगों का चाहिए यामा की तरफ से आने वाली R15 है, बहुत सही कंडीशन में गाड़ी खड़ी हुई है। तो भैया इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 158 देकर गाइस ये आप घर लेकर जा सकते हो। और अगेन ये जो प्राइस है ये प्राइस निगोशिएट हो जाएगी, ये R15 M है। वाओ
सीरियसली। और गाइस यहाँ पे बहुत सारी जगह पे काम किया गया है, और पीछे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये जो ग्रिल है, जनरली ये ग्रिल नहीं लगा हुआ होता है, ये भी प्री इंस्टॉल मिल जाएगा। और भी गाइस आप लोग टायर्स देख सकते हो, टायर भी सही है, पीछे का टायर भी देख सकते हो, पीछे का टायर भी सही है। और यहाँ पे ये जो एम वेरिएंट होने की वजह से यहाँ पे टायर्स का एलॉय का कलर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को गोल्डन कलर का एलॉयस देखने को मिल जाएगा। गाड़ी बहुत सही है, एकदम फुल्ली कंडीशन में है। ओके और गाइस पीछे का कुछ ऐसा लुक्स आता है। और वैसे ये गाड़ी कितनी चली हुई है भैया? 10,000। ओके सिर्फ 10,000 किलोमीटर चली हुई है, वाओ बहुत सही कंडीशन में है गाइस। मतलब अगर आप लोगों को R15M चाहिए तो ये चेकआउट कर सकते हो। और तो गाइस यहाँ से अगर आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे और एक R15 आप लोगों के लिए तैयार खड़ी हुई है। ये जो है ये वर्जन 3 मॉन्स्टर एडिशन है। वैसे गाड़ी कितनी चली हुई है? 16,000 किलोमीटर चली हुई है, वाओ ये भी ज़्यादा चली हुई नहीं है गाइस। तो मतलब डेफिनेटली ये भी आप लोग देख सकते हो, अगर आपका बजट इतना तक नहीं है तो फिर इस तरफ भी आप लोग आ सकते हो। वैसे गाड़ी का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सही है, आप लोग डेफिनेटली ले सकते हो। और इसकी प्राइस क्या रखी गई है भैया? 1,15,000। वाओ हाँ प्राइस डेफिनेटली यहाँ पे, यहाँ से आप लोग कुछ भी गाड़ी लीजिए प्राइस निगोशिएट हो जाएगा। उसके बाद गाइस हम लोग बढ़ जाते हैं लोहे की तरफ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली थंडर 350 है, यह है थंडरबर्ड 350। और गाइस क्या सही गाड़ी है, और बाकी गाड़ी का कंडीशन मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। यहाँ पे एग्जॉस्ट चेंज किया गया, बहुत कुछ चेंज किया गया, इंक्लूडिंग इसका हेडलैम्प भी शायद चेंज किया गया ना भैया? अच्छा हाँ ये कस्टमाइज किया गया है। बाकी टायर्स आप लोग चेकआउट कर सकते हो, टायर्स भी काफ़ी ज़्यादा सही है, इंजन भी काफ़ी ज़्यादा सही है, शायद इंजन सील्ड पैक है, हाँ तो इंजन भी सील्ड पैक है गाइस। और ये बेस फोर की गाड़ी होने की वजह से यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे आपको किक स्टार्ट का फैसिलिटी भी दिया जा रहा है। और वैसे गाड़ी कितनी हज़ार किलोमीटर चली हुई है? ओके 17 से लेकर 20,000 के अंदर ये चली हुई है। गाड़ी का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, और क्रोम में काम किया गया है तो फिर आप लोग क्रोम का काम भी देख सकते हो, जैसे कि एकदम नीट एंड क्लीन है गाइस। तो डेफिनेटली गाइस इसको एक बार चेकआउट तो कर ही सकते हो। वैसे प्राइस क्या बताए थे आप? 1,05,000 देखे गाइस ये गाड़ी ले जा सकते हो, बट यहाँ पे प्राइस निगोशिएट भी हो जाएगा। उसके बाद गाइस और एक लोहा रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली क्लासिक 350 है। भाई साहब इस गाड़ी को देखो यार, मतलब नॉर्मली इसमें स्पोक होल्स रहता है ट्यूब टायर के साथ, बट यहाँ पे एलोवियस लगी हुई है ट्यूबलेस टायर के साथ जो गाड़ी आ रही है, ऑक्सिलरी लाइट लगी हुई है, क्रैश गार्ड लगी हुई है। और तो और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एग्जॉस्ट भी थोड़ा बहुत चेंजेस है, बाकी गाड़ी का कंडीशन ओनली ओके फुल्ली ओके है। और यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे जो हैंडल बार है उसको भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। तो भैया इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 1,03,000 देखे गाइस ये गाड़ी आप घर लेकर जा सकते हो। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर यहाँ से भी कुछ भी गाड़ी लेकर जाते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे टेस्ट राइड आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आइएगा टेस्ट राइड लीजिएगा, जो पसंद आता है लेकर जाइएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं पल्सर की ओर। ये पल्सर कौन सी 125, तो डेफिनेटली गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक बढ़िया सा माइलेज देखने को मिल जाएगी, और वही पुराना लुक्स को यहाँ पे फ्रेम किया गया है। और इसकी प्राइस क्या रहने वाली है भैया? 70,000 देकर गाइस ये आप गाड़ी लेकर जा सकते हो। कौन से साल की मॉडल है भाई? 22 की मॉडल, मतलब एक साल भी पुरानी नहीं होगी। और वैसे कितनी हज़ार किलोमीटर गाड़ी चली हुई है? 12,000 किलोमीटर गाइस गाड़ी चली हुई है, तो डेफिनेटली इसको चेकआउट करना तो बनता है गाइस। उसके बाद गाइस लोंडो लोपाटे की ये फेवरेट बाइक है, KTM की तरफ से आने वाली ड्यूक 200 है गाइस, क्या सही गाड़ी है। वैसे गाड़ी का कंडीशन तो मेरे को सही लग रही है। वैसे भैया बता दीजिए कौन से साल की मॉडल है? 2019 की मॉडल है। वैसे गाड़ी कितनी चली हुई है? 20,000 समथिंग चली हुई है, मतलब गाड़ी का कंडीशन स्टिल बहुत ज़्यादा ओके है। तो गाइस इस गाड़ी को आप लोग डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। विद प्राइस रेंज ऑफ कितना प्राइस रेंज में आप लोग ये छोड़ रहे हो? 95,000 देकर गाइस आप ड्यूक 200 घर लेके जा सकते हो। गाइस इससे और क्या प्राइस कम करें, और डेफिनेटली इससे भी प्राइस कम हो जाएगा, आप लोग एक बार आके चेकआउट तो कीजिए। KTM के बाद यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं यामा की तरफ से आने वाली FZ वर्जन 2.0। तो भैया इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 55,000। जोक नहीं कर रहे हो ना? नहीं।
और गाइस ये जो प्राइस है ये उससे भी कम हो जाएगी, निगोशिएट है, तो डेफिनेटली आप लोग आके चेकआउट कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे फ्रंट लाइट आप लोग चेकआउट कर सकते हो, क्या सही चमक रही है। वैसे गाड़ी फुल्ली कंडीशन में है, टायर्स भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, टायर्स भी नई नई डली हुई है, ज़्यादा चली हुई नहीं है, आराम से 15-20 हज़ार किलोमीटर के ऊपर आप लोग चला सकते हो। ये तो सिर्फ मैं मिनिमम थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ। और वैसे गाड़ी कौन से साल की मॉडल है भैया? 2018 की मॉडल है, क्या बात है। और वैसे गाड़ी कितनी चली हुई होगी भैया? 25,000 की जैसे चली हुई है, तो फिर गाइस इसको आराम से लेके जाके 2,00,000 किलोमीटर तक चला सकते हो गाइस। और उसके बाद यहाँ से आ रही है बजाज की तरफ से आने वाली NS160। सीरियसली क्या सही लुक के साथ ये गाड़ी आती है, इसकी प्राइस क्या रहने वाली? 58,000। देखे गाइस ये NS160 आप घर लेकर जा सकते हो। वैसे गाड़ी कितने हज़ार किलोमीटर चली हुई है, कौन से साल की मॉडल है? तो वैसे गाड़ी 30,000 किलोमीटर चली हुई है। और कौन से साल की मॉडल होगी भैया? 2018 की मॉडल है। उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो, हीरो की तरफ से आने वाली ग्लैमर खड़ी हुई है। तो ग्लैमर की प्राइस क्या रहने वाली भैया? 35,000। देखे गाइस ये अच्छा ये फिक्स रेट है, क्योंकि गाइस ये इस गाड़ी का कंडीशन आप लोग चेक करो, क्या सही कंडीशन के साथ गाड़ी आ रही है। और सिर्फ 35 देकर आप लोग गाड़ी कर घर लेकर जा सकते हो, तो डेफिनेटली आके एक बार चेकआउट करके देखिए गाइस। और उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो पल्सर की तरफ से आने वाली 150। तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है भैया? 65,000। और मैं थोड़ा बहुत चेकआउट करवा दूँ तो गाड़ी का कंडीशन, इंजन सही है, यहाँ से आप लोग चेकआउट कर लीजिए। सामने का टायर भी काफ़ी ज़्यादा सही है, पीछे का टायर यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये ऑफ रोडिंग टायर्स जली हुई है। गाड़ी का कंडीशन बहुत ज़्यादा सही है, आप लोग डेफिनेटली उसको चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि उन लोगों को सुपर स्प्लेंडर चाहिए, ज़्यादा माइलेज ओरिएंटेड बाइक चाहिए, तो गाइस आपके लिए ये हाजिर है। तो ये जो सुपर स्प्लेंडर है इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 63 गाइस ये 63,000 देकर ये सुपर स्प्लेंडर आप घर लेकर जा सकते हो, क्या सही गाड़ी है। और लगभग ये कितनी पुरानी होगी भैया? गाइस ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीना पुराना गाड़ी है, मतलब गाड़ी फुल्ली कंडीशन में देखने को मिल जाएगी गाइस गाड़ी। और ये जो प्राइस है गाइस ये फिक्स है। वैसे आप अगर नया लेने जाओगे तो 30-40,000 आप लोगों को यहाँ पे ज्यादा पे करनी पड़ेगी, बट द थिंग इज दैट यहाँ पे 30-40,000 कम देके 6 महीने एकदम नई गाड़ी आप लोगों को घर लेकर जा सकते हो। तो डेफिनेटली गाइस इस डील को छोड़िएगा मत। तो गाइस इसके बाद यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ये जो सेक्शन है ये सिर्फ स्कूटी वाली सेक्शन है। तो फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे हीरो की तरफ से आने वाली मैस्ट्रो से। तो ये हीरो वाली मैस्ट्रो कितने में आ जाएगी? 43,000 में आ जाएगी। और प्राइस निगोशिएट हो जाएगा ना भैया? और वैसे ये कौन से साल की मॉडल है और कितनी चली हुई है? ये 19 का मॉडल है, 2019 की मॉडल है। और कितनी हज़ार किलोमीटर चली हुई है? 18,000 के जैसे गाइस चली हुई है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मतलब हर एक का तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम लोग ऐसे ऑन एन एवरेज बता रहे हैं, फॉर जब आप लोग आ जाओगे तो फिर आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। और वैसे उसके बाद वेस्पा खड़ी हुई है, तो वेस्पा की प्राइस क्या रखी गई है भैया? 52,000 गाइस इसकी प्राइस रखी गई है। और ये रेट्रो प्लस मैटर लुक के साथ आ रही है, बस क्या सही लुक के साथ ये गाड़ी आ रही है। बट द थिंग इज दैट इसका कलर बहुत ज़्यादा सही है। उसके बाद गाइस अगर हम लोग बढ़ेंगे तो TVS की तरफ से आने वाली ये जुपिटर है ना भैया, तो इसकी प्राइस क्या रखी गई है? ये 42,000 देकर गाइस ये आप लेकर जा सकते हो। और ये जो जुपिटर है गाइस यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, स्कूटी ऑफ द ईयर अवार्ड विनिंग स्कूटी है, मतलब गाड़ी का कंडीशन बहुत सही है और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लंबा चलती है गाइस गाड़ी, तो डेफिनेटली इसको चेकआउट करना तो बनता है। कौन से साल के मॉडल है भैया? 18 का मॉडल है। और उसके बाद गाइस यहाँ से हम लोग चेकआउट कर लेते हैं होंडा की तरफ से आने वाली एक्टिवा की। और तो एक्टिवा की प्राइस क्या रखी गई है भैया? 42,000। देखे गाइस ये गाड़ी आप घर लेकर जा सकते हो, गाड़ी का कंडीशन बहुत ज़्यादा सही है, तो चेकआउट करना तो बनता है। बाकी अगर टायर्स के बारे में थोड़ा बहुत कंडीशन में आप लोगों को चेक करवा देता हूँ, यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, टायर्स बहुत सही है, पीछे का टायर भी काफ़ी ज़्यादा सही है, और बाकी सीट में कहीं भी एक भी स्क्रैचेस नहीं है, और बॉडी में भी आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी स्क्रैचेस देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो होंडा की तरफ से आने वाली ग्राजिया खड़ी हुई है। तो भैया ग्राजिया की प्राइस बता दीजिए। ग्राजिया 52,000। देखिए गाइस ये ग्राजिया आप घर लेकर जा सकते हो, बाकी कंडीशन में आप लोगों को कुछ कुछ यहाँ से चेक करवा देता हूँ, यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये जो टायर है ये भी नई नई डली गई है, और सामने का टायर भी देखो एकदम घिसा हुआ नहीं है, नई टायर डली हुई है। और बाकी ये कौन से साल की मॉडल है भैया? ये 19 की मॉडल है, 2019 की मॉडल है। और वैसे कितना चली हुई होगी? 18,000
18,000, वाओ नाइस। उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे और एक वस्पा खड़ी हुई है, इसकी प्राइस भी थोड़ा बहुत बता दीजिए। 50,000, वाओ। यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, दो थोड़ा थोड़ा कलर में डिफरेंस है इन दोनों में, तो आप लोग देख के ले सकते हो। और उसके बाद फिर से और एक वस्पा खड़ी हुई है, तो यहाँ पे और एक कलर वेरियंट में आप लोगों को वस्पा देखने को मिल जाएगी। प्राइस सही है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी? ओके ओके, ये 52,000। तो जो भी कलर पसंद होता है आप देख के डेफिनेटली यहाँ से लेकर जा सकते हैं। और लास्ट में भैया ये कौन सी गाड़ी रखी हुई है? एक्सेस 125। तो इसकी प्राइस क्या रखी गई है भैया? 45,000 रखी गई है एक्सेस 125। इसका कंडीशन में थोड़ा बहुत चेक करवा लेता हूँ, यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। टायर जो है, टायर भी काफ़ी ज़्यादा सही है, और सामने का टायर भी यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, सामने का टायर भी सही है। वैसे गाड़ी कितनी हज़ार किलोमीटर चली हुई है? 20,000 किलोमीटर चली हुई है। कौन से साल की मॉडल है भैया? 2019 का मॉडल है। गाड़ी का कंडीशन मेरे हिसाब से, मतलब जो जो प्राइस है उससे जस्टिफाई कर रही है, तो फिर डेफिनेटली गाइस यहाँ से प्राइस तो थोड़ा बहुत निगोशिएट हो जाएगा, तो फिर आप लोग आके निगोशिएट करके आप लोग लेकर जा सकते हो अगर गाड़ी पसंद है तो। सो गाइस यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे भी बजट रेंज सेगमेंट की बहुत सारी गाड़ी अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप लोग रास्ते के साइड से जा रहे हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बहुत सारी गाड़ी अवेलेबल है। तो भैया एक गाड़ी का प्राइस यहाँ से बता दीजिए, ये पल्सर 220 का प्राइस कितने में आ जाएगा? 33 में ये गाड़ी आ रही है। और यहाँ से ये जो गाड़ी है ये काफ़ी ज़्यादा कंडीशन में लग रही है। ये कौन सी गाड़ी है? यामी की तरफ से आने वाली रेयर जेडर है। तो रेयर जेडर की प्राइस क्या रहने वाली है भैया? 55,000। देखकर गाइस ये कंडीशन में ये जो गाड़ी है ये लेकर जा सकते हो, थोड़ा बहुत कंडीशन में यहाँ से चेकआउट करवा लेता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और सामने का टायर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, वैसे गाड़ी का क्या सही लुक्स आ रही है। तो फिर डेफिनेटली गाइस पैसा पे करो और गाड़ी लेके जाओ, और यहाँ से भी कुछ कुछ निगोशिएट भी आप लोग कर सकते हो। सो गाइस अभी हम लोग अंदर गोडाउन पे आ चुके हैं, और गाइस यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे भी बहुत सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है। तो फिर एक एक करके गाड़ी का प्राइस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और गाइस यहाँ से और एक दो तीन यूनिक चीज़ है, जैसे कि वहाँ पे सीवियर आप लोग चेकआउट कर सकते हो, सीवियर रखी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा कम बजट में एक रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली क्लासिक 350 रखी हुई है, तो गाइस चेकआउट करना बनता है। सो गाइस यहाँ से जैसे कि हम लोग आप लोगों को दिखा रहे थे रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली क्लासिक 350, वैसे क्लासिक 350 है या 500? क्लासिक 350 है। तो इसका लुक्स का भी थोड़ा बहुत मैं चेकआउट करवाना तो बनता है गाइस, क्योंकि ये थोड़ा दिखने में थोड़ा सा अलग है। तो इसकी ये प्राइस कैसी है? ओनली 60,000। देखिए कोई भी ये रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली 350 लेकर जा सकता है, क्या बात कर रहे हो भैया, क्या सही गाड़ी है और क्या सही डील है। मतलब इन दोनों में सीट का ज़्यादा कोई डिफरेंस मेरे को लग नहीं रही है। और वैसे एवेंजर की प्राइस कैसी रहेगी? ये कौन सी है? 220 स्ट्रीट है ना, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है भैया? 60,000। और नेक्स्ट 150 स्ट्रीट 62,000 देकर आप लोग लेकर जा सकते हो। वैसे गाड़ी का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सही है, और वैसे मतलब हाईवे में चलाने के लिए ये जो तीनों गाड़ी है, तीनों के तीनों सीट कंफर्ट या फिर सिटिंग पोस्चर बहुत ही सही है। और गाइस यहाँ पे अगर आप लोगों को ज़्यादा माइलेज ओरिएंटेड बाइक चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे अवेलेबल है। एक दो की प्राइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी जो जो प्राइस होगी तो फिर आप लोग यहाँ पे आकर डेफिनेटली भैया से फ़ोन करके पूछ सकते हो, या फिर यहाँ पे आके टेस्ट राइड लेके आप लोग भैया से दाम पूछ सकते हो कि कैसा है कैसा रहेगा। सबसे पहले ये जो 150 वाली सेगमेंट है, ये बजाज की तरफ से आने वाली कौन सी है? डिस्कवर है। तो डिस्कवर की प्राइस क्या रखी गई है भैया? डिस्कवर 28,000। सीरियसली क्या बात है। और उसके बाद यहाँ पे ये पुराने वाली R15 45, और ये वाली CBR 250 यार, ये भी 45। भाई साहब, और वो पीछे वाली वो जो रेड कलर में खड़ी हुई है, इसकी प्राइस? स्कूटी ये 40। क्या बात है। सो गाइज आई होप आपने देखा कि मतलब यहाँ पे जो जो गाड़ियाँ हैं प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो फिर डेफिनेटली गाइज अगर आप लोगों का बजट थोड़ा बहुत कम है या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको आना बनता है। गाइज पीछे आप लोग देख सकते हो बहुत सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है। तो गाइज मतलब सामने के आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है जिसका प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और प्राइस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा निगोशिएट है, तो फिर गाइज आना तो बनता है। सो गाइस आप लोगों को जैसे कि पता है सामने पूजा आ रहा है, और पूजा पे बहुत सारी ऑफर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो फिर भैया से थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी आओगे तो फिर भैया से भी मैक्सिमम टाइम लोगों को डील करने को मिलेगा। तो भैया कुछ बता रहे थे कि पूजा में थोड़ा बहुत ऑफर मिलेगा। अगले ऑफर है 150 तक सीसी जो है ना, बाइक स्कूटी और बाइक जो भी है 2000 तक डिस्काउंट होगा, और 150 के ऊपर जो भी है
उसका 3000 डिस्काउंट होगा। क्या बात है। और उसके अलावा अगर हमारे चैनल से कोई आ रहा है तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो स्पेशल गिफ्ट तो बनता है, गिफ्ट होगा। तो गाइस मतलब अगर हम मतलब आप हमारे चैनल की ओर से मतलब हमारे चैनल का वीडियो देख के आ रहे हो या फिर हमारे चैनल का नाम ले रहे हो भैया के सामने, तो डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देखने को मिल जाएगा गाइस। तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पे आरबी मोटर्स में तो आना बनता है। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा नंबर और नाम सब कुछ एड्रेस वगैरह दिया हुआ होगा। तो गाइस अगर यहाँ पे आने के लिए कोई भी दिक्कत होता तो फिर कमेंट बॉक्स पे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि कोई दिक्कत हो रही है या फिर एड्रेस के बारे में कुछ भी अगर क्वेरी चाहिए तो डेफिनेटली गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। और उसके अलावा भी अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे डेफिनेटली गाइस आप लोग रीच आउट कर सकते हो। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा, भैया का इन्फॉर्मेशन, मेरा इन्फॉर्मेशन, तो फिर भैया को आप डायरेक्टली फोन करके भी पूछ सकते हो। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दियो लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दियो सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे ऐसे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।